हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई स्टार्ट तो करने दे। कूल से हाय। हाय तू किच गलो ओए उधर देखो कैमरा, इसको बता भी नहीं किधर देखना है, ये तो इस साइड में होगा। अरे तो जय श्री कृष्णा करो। ओ गणपति बाप्पा माया। चलो मैं एक मिनट स्टॉप करती हूँ, इसके बाद ना कंटिन्यू करती हूँ इसके साथ। नीचे बैठो। हाँ गुड। सो गाइस अभी उसको मैं सुला के आ गई हूँ एंड अभी वो दो घंटे तक सोएगा, तब तक मेरे को स्केचिंग में फटाफट अपना आज का जो टास्क है वो सब कंप्लीट करना है। स्टूडियो चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या ड्रॉ करने वाली हूँ। सो गाइज आज हम एक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं, उसके लिए हम इन पेंसिल्स का यूज़ करेंगे एंड ये पेंसिल्स मतलब आपको हर कहीं अवेलेबल हो जाएगी। फैबर कैसल्स की है, 95 रुपीज़ में पड़ी है। मेरे लिए ये टास्क है कि मुझे इन पेंसिल्स का यूज़ करके एकदम हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। कौन सा पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज ये वाला स्केच है, इसकी आउटलाइन मैं पहले से ही ड्रॉ कर दी थी ग्रिड मेथड के थ्रू। अगर आपको ग्रिड मेथड के थ्रू ड्रॉ करना सीखना है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, आप सीख सकते हो उनके थ्रू। एंड ये वाला जो पेंसिल सेट है ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी ड्रॉ नहीं किया है इन पेंसिल से। आई होप ये अच्छा बने। सो गाइस कोई भी स्केच स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको पेंसिल को शार्प करना होता है, क्योंकि जितने शार्प पेंसिल से आप कलर स्केच करोगे उतनी अच्छी डिटेलिंग कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कलर हो, ब्लैक एंड वाइट हो, शार्प टिप से ही, शार्प पेंसिल से ही आप कोई भी स्केच ड्रॉ करो। एंड हाँ क्लीन शीट रखना। ये देखो मेरी शीट पे बहुत सारे डस्ट है, सो मुझे इसको साफ करना पड़ेगा वरना फिर शेड ही सही से नहीं होगी। सो गाइज यहाँ पे मैं एक टूल यूज़ करूँगी। इस टूल का यूज़ स्पेशली हेयर ड्रॉ करते टाइम में किया जाता है। जब भी हेयर ड्रॉ करते टाइम में वाइट हेयर को ड्रॉ करना हो तो थोड़ा टफ रहता है इंडिविजुअली किसी एक हेयर को ड्रॉ करना। सो ये वाला टूल सबसे बेस्ट है। आप इसको यूज़ सबसे पहले यूज़ करते टाइम में सबसे पहले जो भी वाइट हेयर है वहाँ पर उन हेयर को ड्रॉ करो। इसके बाद में उस पर आपको कोई डार्क पेंसिल यूज़ करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैं दो तीन हेयर ड्रॉ किया है। इसके बाद में मैंने इस पर ब्लैक पेंसिल अप्लाई की है। सो देखना जो भी वाइट हेयर मैंने ड्रॉ किए थे वो हाईलाइट हो जाएंगे। सो गाइस काफ़ी हेल्पफुल टूल है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं वाइट हेयर ड्रॉ करने के लिए बियर्ड में वगैरह, क्योंकि स्किन टोन से मतलब स्किन टोन में वाइट हेयर को देना एंड इंडिविजुअली किसी वाइट हेयर को ड्रॉ करना थोड़ा टफ रहता है। सो ये काम को थोड़ा इजीली बना देता है एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगता वाइट हेयर ड्रॉ करने में। यहाँ पे डार्क स्किन टोन देने के लिए सबसे पहले हम ब्लैक पेंसिल का यूज़ करेंगे एंड उसके बाद में ब्राउन पेंसिल यूज़ करेंगे। ब्लैक एंड ब्राउन सेम तीन चार बार रिपीट करो, उसके बाद में आपको हल्का सा स्किन टोन दिखाई देगा। एंड जैसे कि रेफरेंस इमेज में हल्का सा ये वाला पार्ट जो डार्क एरिया है वो ग्रीनिश मतलब उसमें ग्रीनिश इफेक्ट आ रहा है, सो उसमें मैं और ज़्यादा कलर ऐड करूँगी, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, ताकि मैं मतलब जैसा फोटो में दिया हुआ है उस टाइप से थोड़ी सी और वैल्यू दे पाओ इस वाले स्केच में। सो यहाँ पे ब्लैक एंड ब्राउन कलर यूज़ करके मैं थोड़ा सा डार्क स्किन टोन ला रही हूँ। शेडिंग करते टाइम में एक इम्पोर्टेंट चीज़,
आप पेंसिल्स को एकदम लाइटली यूज़ करो, ज़्यादा प्रेशर मत अप्लाई करना, क्योंकि आप अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके कोई शेडिंग करोगे तो आप उस पर दूसरे कलर यूज़ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे लाइट स्किन टोन ड्रॉ करने के लिए मैं सबसे पहले ब्राउन कलर यूज़ करूँगी, क्योंकि इसका ब्राउन कलर भी बहुत लाइट है, सो मतलब इतनी डार्क वैल्यू नहीं देगा ये। नॉर्मली दूसरा का अगर आप दूसरे कलर्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें हमें लाइट पेंसिल पिंक वगैरह वो सब यूज़ करना होता है। यहाँ पे मैं ब्राउन कलर यूज़ करूँगी एंड उसके बाद उस पर ऑरेंज या फिर येलो कलर दूंगी। लाइट जो मतलब किसी भी पोर्ट्रेट में अगर एकदम लाइट एरिया है तो उस पार्ट को हम छोड़ ही दे तो अच्छा है। उसमें हमें हल्का सा कोई येलो कलर ऐड करना है, क्योंकि वहाँ पे अगर शुरुआत में अगर आप डार्क कलर दे दोगे तो फिर अपन को मतलब वो लाइट स्किन टोन नहीं मिल पाएगा। सो यहाँ पे मैं ब्राउन कलर यूज़ करने के बाद मैं उसमें येलो कलर दूंगी, दो तीन लेयर दूंगी एंड उसके बाद में फिर उस पर लास्ट में येलो कलर से ब्लेंडिंग करूंगी ताकि ये लाइट स्किन टोन अच्छे से बन पाए।
गाइस फाइनली स्केच कंप्लीट हुआ, बहुत मजा आया स्केच करके। मतलब ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस हुआ कि मतलब इन पेंसिल्स का यूज़ करके भी हम काफ़ी अच्छा ड्राइंग कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आप बिगिनर्स हो तो प्लीज़ ये वाले पेंसिल्स परचेज करना, आपको हर कहीं स्टेशनरी शॉप पे भी मिल जाएगी। क्योंकि शुरुआत में महंगे मटेरियल्स में पैसे वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, हम उन पेंसिल्स को यूज़ भी करना नहीं जानते कि कैसे यूज़ करना है और वेस्ट होती है पेंसिल, इसलिए अच्छा है कि आप सही मटेरियल चूज करो शुरुआत में। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि मतलब ये जो स्केच है, ये वाला स्केच देख लो आप कैसा बना है, काफ़ी अच्छा है। एंड मैं अगर उसको और टाइम देती तो शायद मैं और ज़्यादा इसमें डिटेलिंग कर पाती। एंड जैसे कि कोई भी स्केच होता है तो उसमें मतलब ब्लेंडिंग के लिए मैं वाइट पेंसिल्स या फिर काफ़ी दूसरी चीज़ें यूज़ करती हूँ, एंड इसमें मैंने ब्लेंडिंग नहीं की है। अगर ब्लेंडिंग वगैरह सब अच्छे से करती तो ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक देता, बट फिर भी इसका स्किन टोन मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्राउन पेंसिल मतलब अलग ही लेवल की थी भाई। सो प्लीज़ गाइज अगर आप बिगिनर्स हो तो ये वाली पेंसिल परचेज करना। एंड गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी। एंड अगर आपको कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए या कुछ भी कलर स्केच या ब्लैक एंड वाइट स्केच से कुछ सीखना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ताकि मैं उन टॉपिक्स पे कोई वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।